स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेट्री रिस्पॉन्स ठीक है इनट इम्यूनिटी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हम डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रीवियस वीडियो में हमने स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्कस किया आज हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे जब भी कोई फॉरेन बॉडी जैसा कि बैक्टीरिया ठीक है जब ये हमारी बॉडी में आता है इसकी जब प्रेजेंस होती है हमारी बॉडी में तो इसकी प्रेजेंस जो है एक प्रोटेक्टिव इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को उभारती है प्रोवोक करती है ठीक है अब उस रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं जिसकी वजह से हम जो है हमें पता चलता है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है वो क्लिनिकल फाइंडिंग होती है वहाँ पे रेडनेस हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है वो एरिया वार्म हो जाता है और वहाँ पे क्या होती है पेन तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं इन्फ्लेमेटरी स्पॉन्स की ये सारे साइन हमें क्यों नज़र आते हैं एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन के टाइम पे जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ठीक है इंक्रीज़ ब्लड फ्लो और उसके साथ साथ कैपलरी की परमेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है ठीक है हमारी कैपलरी ज़्यादा परमेबल हो जाती है इंक्रीज़ कैपलरी परमेबिलिटी और टिश्यू स्पेसिस के अंदर जो हैं सेल्स एंड फ्लूड जो है उसका स्केप इंक्रीज हो जाता है ठीक है इंक्रीज़ सेल्स एंड फ्लूड इन टू स्पेसेस तो ये सारे साइन रेडनेस स्वेलिंग पेन ये हमें किस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है कैपलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और इस्केप ऑफ सेल्स एंड फ्लूड इन टू द टिशू स्पेसिज इंक्रीज हो जाता है अब जो इंक्रीज परमेबिलिटी है ठीक है कैपलरी परमेबिलिटी जो इंक्रीज होती है वो किस वजह से है कैपलरी परमेबिलिटी जो है बहुत से केमिकल मीडिएटर्स की वजह से इंक्रीज होती है उनमें कौन कौन से मीडिएटर्स आ जाते हैं जो मीडिएटर्स हैं इन्फ्लेमेशन के उन मीडिएटर्स में आ जाते हैं जी हिस्टामिन हिस्टामिन आ जाता है सॉरी ये yeah. तो जी हिस्टामिन केमिकल मीडिएटर है जो कि इम्पोर्टेंट केमिकल मीडिएटर है और उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंड ल्यूकोट्राइन्स तो ये केमिकल मीडिएटर्स आपने याद रखने हैं ठीक है थीके? जो परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है वो इन केमिकल मीडिएटर्स की वजह से होती है हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंड एंड ल्यूकोट्राइन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर्स हैं उसके अलावा और क्या चीज़ परमेबिलिटी इंक्रीज़ करने में जो है रोल प्ले कर रही होती है वो है हमारे पास कम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स ठीक है क्या हैं कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं ना उसके कंपोनेंट्स कम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स सी थ्री ए एंड सी फाइव ए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी थ्री ए एंड सी फाइव ए ये आपने याद रखना है यानी ये हमने इंक्रीज परमेबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है उसके हमने केमिकल मीडिएटर्स पढ़े हैं ठीक है जो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं उसके बाद आ जाता है जी ब्रेडी का ब्रेडी काइन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट मीडिएटर है पेन का ठीक है किस चीज़ का इम्पोर्टेंट मीडिएटर ऑफ पेन पेन का केमिकल मीडिएटर्स के अलावा और कौन सी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का उसमें हम सेल्स देख लेते हैं सेल्स में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ये दोनों क्या हैं फैगोसाइड्स हैं इनगल्फ करते हैं ठीक है फैगोसाइड्स हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कहाँ प्रिडोमिनेट करते हैं वो प्रिडोमिनेट करते हैं एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन्स में जबकि जो हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं ये प्रिडोमिनेट करते हैं क्रॉनिक एंड ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन में ठीक है यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन में मैक्रोफेजेस ज़्यादा होंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में और एक्यूट इन्फेक्शन में जो हैं वो न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे अब इन सेल्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस में मैक्रोफेजेस जो हैं उसका हम रोल पढ़ते हैं मैक्रोफेजेस जो हैं वो दो इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक है एक तो अभी हमने पढ़ा ये क्या होते हैं फैगोसिटिक फैगोसाइटोसिस करते हैं इनगल्फ करते हैं उसके अलावा ये दो इम्पोर्टेंट साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है क्या करता है टू इम्पोर्टेंट साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करता है जो कि इन्फ्लेमेशन में इम्पोर्टेंट हैं वो कौन से साइटोकाइंस हैं वो हमारे पास हैं उनको हम प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी कहते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड सेकेंड नंबर पे आ जाता है इंटरल्यूकिन वन ठीक है फर्स्ट है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर सेकेंड है इंटरल्यूकिन वन अभी जो इंटरल्यूकिन वन है ना ये अपने इनए प्रिकर्सर से कैसे बनता है एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम इन सोम ठीक है यह साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर सोम के अंदर कुछ प्रोटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कैसपेजिस्पेजिस जो हैं वो इंटरल्यूकन वन के इनएक्टिव प्रिकर्सर को एक्टिव करते हैं ठीक है इनएक्टिव से इसको क्या करते हैं एक्टिव करते हैं इसके प्रिकर्सर को तो इसकी सेंथिसिस ऐसी होती है सेंथेसिस इन साइटोकाइन की करता है मैक्रोफेज अगर हम इन्फ्लेमेटरी uh, स्पॉन्स की इंपॉर्टेंस देखें ना किसी भी इन्फेक्शन को कम करने के लिए वो किस तरह अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की बात करें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की बात करें जैसा कि कॉर्टिको स्टीराइड्स जो हैं तो ये जो हम इन्फेक्शन को रिजिस्ट कर रहे होते हैं उसको लो करते हैं यानी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जब हम ले रहे हो तो तो कुछ हमने मीडिएटर्स पढ़ लिए ठीक है जो इन्फ्लेमेशन में पार्ट लेते हैं बेडी के बारे में पढ़ लिया सेल्स पढ़ लिए सेल कौन कौन से साइटोकाइन बना रहा है वो पढ़ लिए उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होती हैं ठीक है थीके? जो कि इन्फ्लेमेशन में पार्ट लेती हैं उनको हम कौन सी प्रोटीन्स कहते हैं मोस्टली उनको एक्यूट फेज़ प्रोटीन्स भी कहते हैं ये एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो हैं इन्फ्लेमेशन में बहुत जल्दी प्रोड्यूस होती हैं अर्ली इन द इन्फ्लेमेशन और बाय द लीवर ठीक है बाय लीवर लीवर इनको प्रोड्यूस करता है इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है सी रिएक्टिव सॉरी सी रिएक्टिव प्रोटीन है उसके अलावा है मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये बाइंड करती है बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर बाइंड करती है और क्या करती है अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कंप्लीमेंट जो है उसको एक्टिवेट करवाती है बैक्टीरिया के पास इसके रिसेप्टर होते हैं ठीक है और सी रिएक्टिव प्रोटीन को सी रिएक्टिव प्रोटीन नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो है ये बाइंड करती है कार्बोहाइड्रेट के साथ जो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है ना उसमें उसके साथ बाइंड करने की इसकी एबिलिटी ज़्यादा है इसलिए इसको सीरेक्टिव प्रोटीन का नेम दिया गया है जबकि मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन जो है बैक्टीरिया सरफेस बैक्टेरिया सर फेस जिसके सेप्ट्रोते तो हैं उसका बाइंड करती है और आल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करवाती है इसके अलावा एक और, एक और एक्यूट फेस प्रोटीन है जो कि इम्पोर्टेंट है उसका नाम है लिपोपोलीसेड यानी इसको एंडोटॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कह सकते हैं क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रिस्पांस में प्रोड्यूस होती है उनके अंदर एंडोटॉक्सिन होता है तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रिस्पांस में प्रोड्यूस होती है इसलिए इसको लिपोपोलीसेक्राइड बाइंडिंग प्रोटीन या एंडोटॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं उसके अलावा एक और इंटरल्यूकिन है इंटरल्यूकिन सिक्स ये भी मेन इंड्यूसर है क्यूट फेज रिस्पॉन्स का ये भी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है जैसा कि हमने पहले प्रो इफ्लेमेटरी साइटोकाइंस पड़ेटन नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन वन जो कि मैक्रोफेज प्रोड्यूस करवा रहा था तो मैक्रोफेजेस ही इसका सोर्स है प्रिंसिपल सोर्स इंटरल्यूकिन सिक्स का लेकिन इसको कुछ और सेल्स भी हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं इसलिए हमने स्पेसिफिक नहीं किया उसके अलावा मैक्रोफेज को क्या चीज़ एक्टिव करती है गैमा